कई देशों में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन से शुरू होने वाला कोरोना वायरस अमेरिका सहित एक दर्जन से भी ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। चीन में अब तक इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या करीब 3,000 तक पहुंच चुकी है। वही भारत में भी कई लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो जयपुर में बीते सोमवार को कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला था। अब खबर आ रही है कि जयपुर से एक और मरीज इस वायरस से पीड़ित है। उसे शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि SMS में भर्ती कराया गया है। युवक जयपुर के चोमू इलाके का रहने वाला है और हाल ही में चीन से लौटा है। युवक को सर्दी जुकाम की शिकायत थी। डॉक्टरों को जब उसके चीन से आने का पता चला तो उसे तुरंत हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। संदिग्ध मरीज का ब्लड सैंपल पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले सोमवार को भी जयपुर के ही एक युवक को कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मानते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उसकी पुणे से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत की खबर ये है कि जनवरी महीने में राजस्थान में 19 लोग चीन से लौटे हैं। इनमें से 18 अब तक पूरी तरह स्वस्थ है। बता दें जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के लिए अब एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी कर दी गई है, क्योंकि ये वायरस अब विकराल रूप ले चुका है। इसलिए अब राज्य की गहलोत सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट लग रही है।